कोई भी एम्प्लॉई है या कोई भी एच आर है या ऑनर है किसी भी कंपनी का तो उसको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस कंपनी में किस टाइम पर कौन सी लीव देनी चाहिए और कौन सी लीव पेड होनी चाहिए और कौन सी नॉन पेड होनी चाहिए सो हे एवरीवन माय नेम इज़ सोनी गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्सास वेयर वी शेयर ऑल द फाइनेंशियल सेक्रेटरियल एंड लीगल अपडेट्स सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन दैट यू डोंट मिस ऑन एनी वीडियो तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है कुछ टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में कि कौन कौन सी लीव कौन सी कंपनी में या कौन सी फैक्ट्री में एप्लीकेबल होती है और किस किस टाइप की लीव्स होती हैं हम आज हम उनके बारे में बात करेंगे अगर हम बात करें आज से अबाउट हंड्रेड ईयर्स अगो की तो उस टाइम पर कोई भी पेड लीव्स नहीं हुआ करती थी लेकिन अगर हम कंपेरिटिवली आज के टाइम पर देखें तो आज के टाइम पर बहुत सी कंपनीज ने अलग अलग टाइप की हर चीज़ के लिए हर अलग अलग टाइप की लीव्स बना रखी हैं जैसे कि अगर आपको कोई नॉर्मली छुट्टी चाहिए अपनी किसी अर्जेंट वर्क के लिए या किसी भी काम के लिए तो आप उसके लिए कैजुअल लीव ले सकते हैं या अगर आप बीमार हैं तो उसके लिए सिक लीव है आपकी अगर शादी हो रही है।, है तो इसके लिए मैरिज लीव है अगर आपकी फ़ैमिली में या रिलेटिव में या किसी फ्रेंड की डेथ हो गई है तो उसके लिए बेरेवमेंट लीव है तो बहुत तर, बहुत तरीके की बहुत सारी लीव्स हैं और ये जो लीव्स हैं एक तरीके के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एम्प्लॉइज़ को देने के लिए ये एप्लीकेबल होती है लीव्स का कॉन्सेप्ट ही बेसिकली ये था कि ये जो आ, जितनी भी जैसे कि अगर हम शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात करें तो उसके अंदर मेन जो है वो तीन टाइप की लीव्स आती हैं प्रिविलेज लीव जिसको हम अर्नड लीव्स भी कहते हैं सिक लीव और कैजुल लीव ये जो होती है स्टेट स्टेट वाइज स्टेट इनका अलग अलग वेरिफिकेशन होता है कि किस स्टेट में कितनी छुट्टियाँ कैजुअल लीव के लिए मिलेंगी कितनी सिक लीव में मिलेंगी या अगर सिक लीव हम दे भी रहे हैं तो कितनी मिलेंगी पेड मिलेगी नॉन पेड मिलेगी और ये भी कंपनीज़ टू कंपनीज़ भी डिफ़र करता है अगर आपकी कंपनी में एप्लीकेबल है तो ही आपको मिलेगी बेसिकली दो तरीके की एक्ट हैं फैक्ट्रीज़ एक्ट और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो आपके आपकी फैक्ट्री में फैक्ट्रीज़ एक्ट एप्लीकेबल होगा अगर आप किसी शॉप में या किसी आईटी कंपनी में किसी भी सर्विस कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एप्लीकेबल होता है अब फैक्ट्रीज एक्ट में अलग होती है लीव्स का कॉन्सेप्ट और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अलग होता है और ये भी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है कि अगर आपको आ, किसी स्टेट में आपको कैजुअल लीव ही मिलती है किसी स्टेट में आपको खाली सिक लीव मिलती है और किसी में आपको दोनों मिलती है कंबाइंड अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स की जो मोस्टली लीव्स कंपनीज़ में पाई जाती है वो कौन सी होती है एक तो प्रिविलेज लीव होती है जिसको हम अर्नड लीव या फिर एनुअल लीव्स कहते हैं एक होती है लॉस ऑफ पे लीव मतलब को ऐसी छुट्टी जो हमें विदाउट पे मिलती है एक होता है कंपनसेटरी ऑफ लीव देन आपकी मेटर्निटी लीव आ गई पेटर्निटी लीव आ गई बेरेवमेंट लीव सिक लीव कैजुअल लीव मैरिज लीव तो बहुत टाइप की लीव्स होती है सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिविलेज लीव की जिसको हम अर्न लीव या एनुअल लीव भी कहते हैं इन्हें हम अर्न लीव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें उस अकॉर्डिंग मिलती है हमने कितने दिन काम किया है मान लीजिए आप किसी कंपनी में हैं आपने फोर मंथ्स की कंटिन्यूस सर्विस दी है तो उसके बाद आप एप्लीकेबल हो जाते हैं कि आपको फाइव डेज की एनुअल लीव आपको मिल सकती है और ये जो आपकी एनुअल लीव्स होती हैं इसको हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में फ़ोर मंथ्स ऑफ कॉन्टीन्यूस सर्विस के बाद आपको फ़ाइव डेज़ की लीव मिल सकती है और ट्वेल्व मंथ्स ऑफ कॉन्टीअस सर्विस के बाद आपको फिफ्टीन डेज की लीव मिलती है ये अर्न लीव्स प्रोवाइड करना एक बहुत मैंडेटरी होता है लेबर लॉस के अकॉर्डिंग क्योंकि ये जो लीव्स है इससे बेसिकली एम्प्लॉय को इसमें जो हम ये वाली लीव्स हम कैलकुलेट करते हैं इसमें हम वर्किंग डेज़ में वीकेंड्स को हॉलीडेज़ को या ऐसे डेज पर जिसने जिसपे एम्प्लॉय एम्प्लॉयी ने काम नहीं किया है उन डेज़ को हम काउंट नहीं करते ये जो होती है टिपिकली बेसिकली uh, जो हम लोग यूज़ करते हैं इसको वैकेशनस के लिए या फेस्टिवल्स लीव के लिए ही uh, इसको लोग कंज्यूम करते हैं नेक्स्ट हमारी आती है कैजुअल लीव कैजुअल लीव जो होती है अर्न लीव के अलावा किसी किसी कंपनीज में कैजुअल लीव भी दी जाती है जैसे कि अगर आपका कोई अर्जेंट काम आ गया है तो उसके लिए आप कैजुअल लीव ले सकते हैं जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में कैजुअल लीव और सिक लीव दोनों कंबाइन होके मिलती है कि या तो आप कैजुअल ले लीजिए या सिक ले लीजिए कि अगर आप बीमार हैं अगर आप बीमार हैं तो आप सिक लीव ले सकते हैं अगर आपको अर्जेंट है तो कैजुअल लीव लेकिन दोनों ही मिला के आपको टोटल दिल्ली में ट्वेल्व डेज़ की लीव मिलती है सिक भी वही है अगर आप बीमार हैं तो आपकी सिक होती है और ये भी कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है क्योंकि किसी किसी कंपनीज़ में होता है कि अगर आपने दो दिन से ज़्यादा की लीव सिक लीव ली है तो आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट डिपॉजिट कराना पड़ता है अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं करा रहे हैं तो आपकी जो ये लीव है ये अनपेड में कन्वर्ट हो जाती है और ये मैं आपको बताई थी क्योंकि दिल्ली में जो है सिक और कैजुअल लीव हमें कंबाइन होकर मिलते हैं ऐसे नहीं कि हम ट्वेल्थ सिक लीव भी ले रहे हैं और ट्वेल्व कैजुअल भी ले रहे हैं दोनों मिलाकर ही हमें ट्वेल्व मिलती है टोटल मेटर्निटी लीव मेटर्निटी लीव जो होती है बेसिकली फीमेल्स के लिए होती है जो भी फीमेल्स मदर बनने वाली होती है उनको ट्वेंटी सिक्स वीक्स की मैटर्निटी लीव मिलती है और ये लीव जो है पेड होती है ये लीव बेसिकली ई एस आई एक्ट से रेगुलेट होती है और ये हर एम्प्लॉ हर एम्प्लॉय के लिए कंपल्सरी है कि आपको अपने एम्प्लॉय को इफ अगर उनकी उनको मैटरनिटी लीव देना कंपलसरी है ट्वेंटी सिक्स वीक्स की और ये लीव जो होती है ये पेड होती है ये जो हमने अभी पहले जो बात करी एनुअल लीव सिक लीव और कैजुअल लीव की ये जो होती है ये स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग होती है लेकिन जो सेंट्रल uh, uh, ये जो हमारी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की अगर हम बात करें मेटर्निटी लीव की ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप दिल्ली में है, तो आपको ट्वेंटी वीक्स मिलेगा अगर आप मुंबई में महाराष्ट्र में है, तो आपको कम या ज़्यादा मिलेगा पूरी इंडिया के लिए सेम है ये एप्लीकेबल क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है और आपको ट्वेंटी सिक्स वीक्स की ही छुट्टी मिलेगी अर्न लीव मिलेगी सॉरी ट्वेंटी सिक्स वीक की आपको मेटर्निटी लीव मिलेगी और आ, ये जो ट्वेंटी सिक्स लीव्स की ट्वेंटी सिक्स वीक्स की जो लीव होती है ये आपके फर्स्ट टू चिल्ड्रन के लिए ही एप्लीकेबल होती है इफ आपका थर्ड चाइल्ड भी है तो उसके केस में आपको सिर्फ ट्वेल्व वीक्स की लीव मिलेगी आपको ट्वेंटी सिक्स की नहीं मिलेगी उस केस में और अगर कोई मिस कैरेज है एडॉप्शन है तो उस केस में भी जो लीव्स हैं वो इसी एक्ट के अंडर आती हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं पेटर्निटी लीव की कोई भी फादरहुड अगर कोई भी मेल है वो फादरहुड में आ, आ रहा है तो उनके लिए जो लीव है वो टू डेज़ से लेकर फोर वीक्स तक है और ये कंप्लीटली पॉलिसी कंपनी की पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है कि कंपनी किस टाइप की uh, कितने दिन के लिए लीव दे रही है और ये जो लीव है ये बेबी के बर्थ के विदिन एट वीक अगर आपने ले ली तो ठीक है नहीं तो इसका कोई कैरी फॉरवर्ड का सीन नहीं है आपकी वहीं पर आपकी खत्म हो जाएगी लीव तो अगर आपने ले ली तो मेटर्निटी लीव हमें बेसिकली इसलिए मिलता है ताकि जो भी मेल है वो अप, आ, मदर का और चाइल्ड का अच्छे से ख्याल रख सके केयर कर सके उनकी इसलिए उनको ये लीव मिलती है बेरेवमेंट लीव होती है कि अगर आपकी फ़ैमिली में या आपके किसी क्लोज़ का आपके फ्रेंड की अगर डेथ हो गई है तो उस केस में आपको बेरेवमेंट लीव मिलती है ये लीव भी कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करती है इसमें बेसिकली टू से ट्वेंटी डेज तक की लीव होती है और ये भी हर स्टेट के लिए अलग अलग होती है आपकी कंपनी पर डिपेंड करती है इस बेरेवमेंट लीव को हम कंपैशनेट लीव भी कहते हैं तो ये जो है लीव बेसिकली कि आप जिसकी डेथ हुई है उसके फ्यूनरल सर्विसेज में या आपके जो भी पर्सनल मैटर्स हैं उनके उनको केयर टेक केयर करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका ग्रीव आपकी जो भी ग्रीवियंस है उसको सॉर्ट करने के लिए ये बेरेवमेंट लीव आपको दी जाती है नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्पेंसेट्री ऑफ के बारे में कम्पेंसेट्री ऑफ बेसिकली उसके लिए मिलती है जब अगर आप किसी भी हॉलीडे पर या वीक डे वीकेंड्स में आप काम कर रहे हैं तो उस केस में आपको फिर एक कम्पेंसेट्री लीव मिलती है अगर देखिए इफ़ एन एम्प्लॉय हैज़ टू वर्क ऑन अ वीकेंड और अ हॉलीडे अगर आपको किसी भी वीकेंड पर या हॉलीडे पर काम करना पड़ रहा है तो फिर आपको वर्क डेज में ही कम्पेंसेट्री ऑफ मिलता है ये लीव जो है ये भी कंप्लीटली uh, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करती हैं और केस बाय केस ही डिफ़र कर ये लीव्स भी आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती और मैंडेटरी नहीं है कि हर कंपनी में कंपेंसेटरी ऑफ मिलता हो अगर आपने किसी भी नॉन वर्किंग डे पे काम किया तो उसके लिए आपको एक कंपनसेटरी ऑफ वर्किंग डे पर मिलता है एम्प्लॉय को ये क्लेम करना पड़ता है अगर ये रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव हो जाती है इमीडिएट मैनेजर से धनीय एच आर के पास जाती है और जब आपकी कंपेंसेटरी ऑफ लीव जो है वो मिल जाती है ये वाली ये वाली जो लीव्स हैं ये भी बहुत सारी लीव्स की तरह एट द एंड ऑफ द ईयर कोलेप्स हो जाती हैं अगर आपने ली है तो ठीक है नहीं ली तो आपकी कोलेप्स हो गई आपकी लीव्स जो है वो वेस्ट गई नेक्स्ट ईयर में ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होती और इसका जो एक्सपायरी पीरियड है वो फोर टू एट वीक्स है फोर टू एट वीक्स में अगर आपने किसी वर्किंग डे पर काम किया है उस और उसके फोर से एट वीक के अंदर अंदर आपने अगर कंपेंसेटरी ऑफ ले लिया तो वेल एंड गुड है नहीं तो ये आपकी लीव कोलैप्स हो जाएगी देन आता लॉस ऑफ पे लीव लॉस ऑफ पे लीव उस केस में मिलती है अगर कोई भी इंप्लॉयी है उसकी जो पेड लीव्स हैं वो ख़त्म हो चुकी है पेड लीव्स उसकी ख़त्म हो चुकी हैं लेकिन उसको फिर भी कोई इमरजेंसी है या कुछ बहुत ऐसा सिचुएशन है कि उसको लीव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उस केस में लॉस ऑफ पे लीव दी जाती है ये वाली जो लीव होती है ये पेड नहीं होती है और ये भी मैंडेटरी नहीं है कि हर कंपनी में दी जाए और ये लीव्स भी आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती ऑन टू द नेक्स्ट ईयर और ये आपके सैलरी uh, uh, से इसकी uh, आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाती है ये ये पेड़ लीव नहीं होती है नेक्स्ट आपकी आती है मैरिज लीव मैरिज लीव में मैंडेटरी नहीं है कि हर कंपनी में दी ही जाएगी अगर किस आ, ये भी कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि देते हैं या नहीं देते जैसे कि अगर हम बहुत सी कंट्रीज़ में बात करें जैसे मालता हो गया वियतनाम हो गया इसमें मैरिज लीव जो है वो लीगल एंटाइटलमेंट नहीं है लीगली मतलब नहीं है कि हाँ आपको मैरिज लीव देनी ही पड़ेगी और मैरिज लीव जो है आपको वन से फिफ्टीन डेज़ की मिलती है और बहुत सी कंपनीज़ में सिर्फ थ्री डेज़ की मैरिज लीव मिलती है एज ए नॉर्म क्योंकि उनके जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग थ्री डेज़ की मैरिज लीव मिलती है लेकिन जब आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नॉर्म्स uh, है वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपको uh, आपकी मैरिज के विद इन एट वीक्स आपको एक हनीमून पीरियड के लिए लीव मिलती है तो उसमें अगर आपने वो विद इन एट वीक्स आपने वो लीव अपनी ले ली तो ठीक है नहीं तो वो वाली लीव्स भी आपकी लैप्स हो जाती है थैंक यू सो मच आई होप आपको अब आप लीव्स के बारे में क्लियर होगा सो so...